हरे कृष्णा। आप सबका हार्दिक स्वागत है ISKCON पंजाबी बाग यूट्यूब चैनल पर। ISKCON पंजाबी बाग यूट्यूब चैनल का पर्पस है कि हम हर रोज आपके सामने ला सके भगवान के सुंदर दर्शन, सुंदर कीर्तन, कृष्ण कथा, भजन और आने वाले नए उत्सव। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री श्रीमद् भागवत महापुराण अध्याय का नाम है भगवान परशुराम द्वारा विश्व के क्षत्रियों का विनाश। स्कंध 9 अध्याय 16 और श्लोक नंबर 10 से लेकर 19 तक है। लिखा कौन सा है? ठीक है, तो भजन का अर्थ भी पढ़ेंगे बाद में। जो भजन गाए हम लोग बंगला भाषा में, श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने नारद मुनि द्वारा गाया हुआ उनकी वीणा में गान, श्री श्री राधिका रमन जी का गुणगान। और जब नारद मुनि गाते हैं भगवान का युगल नाम तो कैसे भक्तों के हृदय में पहुंचता है, कैसे शिव जी नाचते हैं, कैसे ब्रह्मा जी नाचते हैं और कैसे सहस्रानन यानी कि स्वयं जो अनंत शेष हैं वो भी अपने फनों के द्वारा नाचने लगते हैं, क्योंकि उनके हृदयों के अंदर कर्ण से ये अमृत रसायन जो हैं ये टॉनिक सीधे अंदर घुसा, हरिनाम हरिनामा अमृतम। और वो हृदय प्रदेश में जाकर के क्या हुआ, सभी प्रकार के जो मल हैं गंदगी है उसको साफ करके वो भक्त के हृदय में आनंद जो है क्या करता है, दे देता है। तो कहा भी गया है भगवान आनंद के स्रोत हैं, भगवान और उनके नाम में कोई अंतर नहीं है। और हरिनाम भगवान सब कुछ जो आनंद है वो भगवान ने हरिनाम में दे रखा है। और जो ही आप हरिनाम ले लेने लगते हैं तो वो आनंद आपके पास आ जाता है। हम आनंद ढूंढते हैं दूसरी जगह, माला छोड़ के फेसबुक और व्हाट्सएप में देखते हैं, कोई कहीं से मेरे लिए लिखे रहे आप बहुत अच्छे हैं, बस झूठी तारीफ सुनना पसंद करते हैं, है कि नहीं। तो उसको छोड़ करके जब हम माला में लगेंगे तो आनंद उसमें है, आनंदमयो भ्यासा। तो वही नाम की महिमा बताई है उस भजन में, हम लोग दोहराएंगे, मैं पढ़ते जाऊंगा 10वें से लेकर के 17 तक, फिर 18-19 उसको रिपीट करेंगे, ठीक है, या पहले रिपीट करें बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो 10वां श्लोक है, एकदा आश्रमतो रामे श्रम्भातरी वनम गते वैरम सिसाध इसवो लब्ध छिद्रा उपागमन। एक बार जब परशुराम वसुमान तथा अन्य भाइयों के साथ आश्रम से जंगल गए हुए थे तो कार्तवीर्यार्जुन के पुत्र अवसर का लाभ उठाकर अपनी शत्रुता का बदला लेने के उद्देश्य से जमदग्नि के आश्रम में गए। दृष्टवा अग्न्यागार आसीनम आवेशित अधियम मुनिम भगवत अति उत्तम श्लोके जगनुशस्ते पाप निश्चयः। कार्तवीर्यार्जुन के पुत्र पाप कृत्य करने के लिए कृत संकल्प थे, अतएव जब उन्होंने जमदग्नि को अग्नि के निकट यज्ञ करते एवं उत्तम श्लोक भगवान का ध्यान करते देखा तो उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाकर उसे मार डाला। याचमानः कृपणया राम मात्रा दिदारुणः प्रसय शिरः उत्कृत्या निस्युस्ते क्षत्रबन्धवः। परशुराम की माता तथा जमदग्नि की पत्नी रेणुका ने अपने पति के जीवन की भीख मांगी, किंतु कार्तवीर्यार्जुन के पुत्र क्षत्रिय गुणों से विहीन होने के कारण इतने क्रूर निकले कि उसकी याचना के बावजूद उन्होंने उसका
सिर काट लिया, उनका सिर काट लिया और उन्हें अपने साथ लेते गए। रेणु का दुख सोकर्ता निघनंत्यात्मान आत्माना राम रामेति तातेति विचुक्रो सोचक्रे सती। अपने पति की मृत्यु के कारण शोक से विलाप करती सती रेणुका अपने ही हाथों से अपने शरीर को पीट रही थी और जोर जोर से चिल्ला रही थी, हे राम मेरे पुत्र राम। तदुब उत्सृत्य दूरस्था हा रामेत्यार्तवत्सवनम त्वरया आश्रम असाध्य ददृशु पितरम हतम। यद्यपि परशुराम सहित जमदग्नि के सारे पुत्र घर से बहुत दूरी पर थे, किंतु ज्यों ही उन्होंने रेणुका की हे राम हे पुत्र की तेज पूर्वक पुकार सुनी, वे तुरंत आश्रम लौट आए जहाँ उन्होंने अपने पिता को मरा हुआ पाया। ते दुख रोषाम अर्षातिक शोक भेग विमोहिता हातात साधु धर्मिष्ठ त्यक्त्वा स्मान स्वर्गतो भवान। व्यथा क्रोध अपमान संताप तथा शोक से ग्रस्त जमदग्नि के सारे पुत्र बिलख पड़े, हे साधु एवं धर्मात्मा पिता, आप हमें छोड़कर स्वर्ग लोक को चले गए हैं। श्री श्री राधिका रमन जी की। विप्लयेवं पितुर्देहं निधाय भार्तसु स्वयं प्रगृह्य परशुरामः शत्रांताय मनोदधे। इस प्रकार विलाप करते हुए परशुराम ने अपने पिता का शव अपने भाइयों को सौंप दिया और स्वयं पृथ्वी भर से सारे क्षत्रियों का अंत करने का निश्चय करते हुए अपना फरसा उठा लिया। सत्रवा गत्वा माहिष्मतिं रामो ब्रह्मग्न विहत श्रियं तेषां सशीर्षभिः राजन् मध्ये चक्रे महागिरिं। हे राजन, तब परशुराम उस महस्मति नगरी में गए जो एक ब्राह्मण के पाप पूर्ण वध के कारण पहले ही विनष्ट हो चुकी थी। उन्होंने उस नगरी के बीचों बीच कार्त वीर्यार्जुन के पुत्रों के शरीरों से छिन्न किए गए सिरों का एक पर्वत बना दिया। तो अब 18वां नंबर श्लोक है, दोहराएंगे सभी। तद्रक्तेन नदीं घोराम ब्रह्मण्य भयावहम् हेतु कृत्वा पितृवधम् क्षत्रे अमंगलकारिणी त्रिसप्त कृत्वा पृथ्वीं कृत्वा नेक्षत्रियां प्रभुः समंत पंचके चक्रे शोणितो दाहं दानवः। तद्रक्तेन नदी घोराम ब्रह्मण्य भवावहम् हेतु कृत्वा पितृवधम् क्षत्रे अमंगलकारिणी त्रिसप्त कृत्वा पृथ्वीं कृत्वा नेक्षत्रियां प्रभुः समंत पंचके चक्रे शोणितो दान हृदानवः। दोहराएंगे शब्दार्थ। तत्रक्तेन कार्त वीर्यार्जुन के पुत्रों के रक्त से नदीम नदी को घोराम भयानक अब्रह्मण्य भय अवाहम उन राजाओं को भय दिखाती हुई जिन्हें ब्राह्मण संस्कृति के लिए कोई सम्मान नहीं है, हेतुम कारण कृत्वा स्वीकार करके पितृवधम पिता का वध क्षत्रे
जब संपूर्ण राजवर्ग अमंगल कारिणी अत्यंत अशुभ ढंग से कार्य कर रहा था, त्रिसप्तवक्रतः 21 बार पृथ्वीम पृथ्वी को कृत्वा करके निक्षत्रियाम क्षत्रिय विहीन प्रभु भगवान परशुराम समंत पंचके समंत पंचक नामक स्थान पर चक्रे बनाया शोणित उदान जल के बजाय रक्त से पूरित हृदान झीलें नव नौ। अनुवाद और तात्पर्य परम महाभागवत जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की दोहराएंगे हमारे पीछे। इन पुत्रों के रक्त से भगवान परशुराम ने एक विभत्स नदी तैयार कर दी, जिससे उन राजाओं को अत्यधिक भयातुर कर गया, जिनमें ब्राह्मण संस्कृति के प्रति आदर भाव नहीं था। चूंकि सरकार के अधिकारी अर्थात क्षत्रिय लोग पाप कर्म कर रहे थे, अतः परशुराम ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के बहाने सारे क्षत्रियों का 21 बार पृथ्वी से सफाया कर दिया। निसंदेह उन्होंने समंत पंचक नामक स्थान पर उन सबों के रक्त से 9 झीलें उत्पन्न कर दी। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं, ध्यान से सुने और इसको समझते हुए भी जाएंगे। परशुराम भगवान हैं और उनका शाश्वत ध्येय है परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। अब सुनने में तो ऐसा लग रहा है इतना नरसंहार कर दिया, नदियां बना दी खून की, 9 झीलें बना दी खून की, सबने थोड़ी गलती की होगी कोई सोच सकता है, लेकिन सीधे सीधे प्रभुपाद जी कह रहे हैं परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम। पहले ही बोल दिया है कि परशुराम कौन है, भगवान है, और धर्म तु साक्षात भगवत प्रणेतम नवे विदु ऋषयो अपि देवा न सिद्ध मुखिया असुरा मनुष्या कुतोनु विद्या धर चारणादय। भगवान धर्म की स्थापना के लिए, धर्म का अर्थ ही है यहाँ पर कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जिसको दूसरे शब्दों में नियम और कानून। ये श्रीमद् भागवत वेद पुराण, श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद, इन सब में धर्म के बारे में बताया। धर्म का मतलब है भगवान के द्वारा बनाए हुए नियम, जिन नियमों के द्वारा, जिन नियमों के हिसाब से हम चल करके फिर सज्जन बनते हैं, और जिन नियमों का पालन नहीं करने से हम दुर्जन बनते हैं। और अगर समाज में 4 वर्ण और आश्रम हैं, इसीलिए हैं, इसको बोलते हैं देयर आर क्लास सिस्टम। वर्गीकरण क्यों किया गया है, गुण और कर्म विभाग सह, केवल गुण और कर्म के अनुसार विभाग किया गया है। ये जैसे संसार में लोग इस चीज से भी बड़ा घृणा करते हैं, क्या ब्राह्मण क्या क्षत्रिय सब बराबर हैं, ठीक है कि नहीं। क्या आप लोग शूद्र कहते हैं, बताओ शूद्र कैसे कोई हो सकता है, तो शूद्र का अर्थ ही नहीं जानते हैं। वहां तो बता दिया कलौ शूद्र संभव, कलयुग में सभी शूद्र हैं। क्या ब्राह्मण क्या क्षत्रिय, जो ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने से भी वो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा, क्षत्रिय परिवार में जन्म लेने से भी कोई क्षत्रिय गुणों से विहीन भी हो सकता है। तो ये ध्यान देना होगा कि प्रभुपाद जी बोलते थे डॉक्टर है, कोई व्यक्ति डॉक्टर है तो उसका बेटा भी डॉक्टर ही बनेगा, जरूरी नहीं है, उसको गुण और कर्म के हिसाब से डॉक्टर बनाया जा सकता है,
न कि मेरा पिता ने अगर डॉक्टर का कोट पहना है तो मैं भी कोट पहनता हूँ, उठाया फरसा और चीर दिया किसी को भी, है कि नहीं? तो वहाँ पर उनको क्या करना होगा, पहले ट्रेनिंग लेनी होगी डॉक्टर की, प्रशिक्षण लेना होगा, उसके बाद ही वो डॉक्टर बन सकते हैं। तो यहाँ पर गुण और कर्म के हिसाब से विभाग, कोई दीक्षा लेने के बाद भी, दीक्षा ले ली है, गुरु परम विशुद्ध भक्त हैं और उनसे दीक्षा ले ली है, हरिनाम जपते हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है उनके अंदर, उस भक्त के अंदर क्षत्रिय गुणों का प्रभाव हो, ठीक है कि नहीं? क्षत्रिय गुणों क्या है? क्षत्रिय गुण भगवद गीता में 18वें अध्याय के 43वें श्लोक में बता रखा है, शौर्य तेजो धृति दाक्ष्यम युद्धे चा पलायनम दानम ईश्वरम भावस्य क्षात्रम कर्म स्वभावजम। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता और युद्ध में धैर्य और नेतृत्व करने का गुण, लीडरशिप। तो सारे भक्त नहीं, कुछ लोग ब्राह्मण परिवार से ही वो ब्राह्मण के गुण भी हैं और यहाँ आके फिर असली में ब्राह्मण बनते हैं, तो पता चला उनको पुजारी में बड़ा इंटरेस्ट होता है, कथा कहने में इंटरेस्ट होता है। कितने भक्त हैं वो केवल लैपटॉप में ही रह जाते हैं, उनको कथा कहने का कोई लैपटॉप और मोबाइल डांस तो, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि वो लैपटॉप और मोबाइल से भी, जैसे अकाउंट में सेवा है तो भगवान की सेवाएं तो कोई कमी नहीं है, है कि नहीं? कोई लीडरशिप में जाता है, लेकिन लीडरशिप में रहने के बाद भी, यहाँ पर ये बात इसलिए हम बता रहे हैं, ब्राह्मणों से आपको आशीर्वाद युक्त होना चाहिए। ब्राह्मणों से आशीर्वाद का मतलब आप ब्राह्मणों से ज्ञान लेंगे क्या करणीय है क्या अकरणीय है। यहाँ पर क्षत्रियों ने क्या किया, क्यों परशुराम जी ने 21 दफे क्षत्रियों का वो कर दिया है, तो दो ही दफे करना चाहिए, दो दफे गलती हुई थी। एक दफे तो कार्तवीर्य अर्जुन, ये जब राजा इतना बड़ा, आपको पता ही है कितने लोग डेली कथा सुनने आते हैं, आप बाहर रहने वाले भक्त भी कितने लोग डेली कथा सुनने आते हैं, 4-5 लोग। तो मैं इसलिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में जा रहा हूँ, रिकैप पीछे से, तो याद आ जाएगा कि कैसे जो परशुराम जी के पिता हैं जमदग्नि जी, वो जो हैं क्या थे, भजन में तल्लीन थे। तो उसी वक्त ये राजा कार्तवीर्य अर्जुन ये जो हैं अपने सारी सेना दल बदल के संग जंगल में घूमते हुए निकल रहे थे, और बताया गया कि इनको इतनी शक्ति मिल गई थी, इन्होंने दत्तात्रेय जी के पूजा करके उनसे कितने हाथ, 1000 हाथ जो है प्राप्त कर लिए थे। तो ये अहंकार है, अहंकारस्य सर्वेषां पाप बीजम अमंगलम। ये हासिल करना बुरी बात नहीं है, ये शक्ति आपको मिल जाना, ज्यों ही शक्ति हमारे पास आ जाती है, ज्यों ही हमें कोई पद पोजीशन दे दी जाती है, तो हम भूल जाते हैं वहाँ पर ब्राह्मण कौन है, किस ब्राह्मण ने हमें क्या शिक्षा दी थी, सब भूल जाता है व्यक्ति। क्यों? क्योंकि उस पद का जो है व्यक्ति को अहंकार आ जाता है। ये श्लोकों के माध्यम से हम ये तो श्रवण कर रहे हैं परशुराम जी और कार्तवीर्य अर्जुन के द्वारा कैसे संहार हुआ, लेकिन साथ साथ हमें भी शिक्षा है इसमें, क्योंकि हम सब भी अलग अलग गुणों से यहाँ पर आए हैं। कोई शूद्र के गुणों से उससे था, लेस था, कोई क्षत्रिय गुणों से, कोई किस गुण से, लेकिन उस गुण को भगवान की सेवा में लगा करके वो फिर शुद्ध होगा। और अगर उस गुण का हमें अहंकार आ जाएगा, अगर या वो जो भगवान ने हमें चीज दे रखी है, जैसे यहाँ कार्तवीर्य अर्जुन को ऐसा अहंकार आ गया, उसने रावण को भी, रावण को डिस्टर्बेंस हुआ, और रावण को उसने क्या किया बताया गया है, क्या कर दिया था, बंदी बना लिया। कैसे? जैसे कोई बंदर को उठा करके ले जाता है, ऐसे जैसे मदारी बंदर को उठा करके ले जाता है। बताइए रावण इतना शक्तिशाली, कोई ये कितने साल शक्तिशाली, अष्ट सिद्धि
ये सारी इसकी दासियां बन गई थी, तो उसका अहंकार हो गया था। तो ये इनको जाने की जरूरत नहीं थी ऋषि के आश्रम में, इतना दल बदल लेकर के जाने की क्या जरूरत है। राजा को किसी ऋषि और किसी साधु के पास जाना चाहिए क्या करने के लिए, बोलो, ज्ञान अर्जित करने के लिए, सेवा करने के लिए, उनकी कुछ सेवा करें, उनसे कुछ भक्ति के बारे में श्रवण करें और भगवान के प्रति अपना समर्पण बढ़ाएं। इसके लिए न जा करके वो एकदम मदमस्त जैसे हाथी होता है ना, ऐसे सारे दल बदल के संग, ये भी सोचना चाहिए कि मुनि तो इतने भिज्ञ ब्राह्मण हैं, वो उठ करके खड़े हो गए और राजा का स्वागत करने लगे, सबका स्वागत किया। लेकिन मुनि ने कैसे स्वागत किया, उनके जो आश्रम में कामधेनु गाय जो हैं थी, और कामधेनु का मतलब है जितनी भी आपकी कामनाएं हैं, जो जो इच्छाएं, ये कामधेनु, अकेली कामधेनु गाय ने राजा के जितने भी सैनिक थे, दल बदल, ये वो, राजा सब घोड़े वोड़े सब को सब खा करके तृप्त हो गए, केवल एक दुधारू गाय। और एक कामधेनु गाय तो इससे जितना कुछ चाहिए इस सभी प्रकार की इच्छाओं को पूरी करती थी। तो राजा को जो है यहाँ पर इन्फेरियरिटी लगी, क्या कि मैं तो एक ये बिल्कुल सब कुछ छोड़ा हुआ त्यक्त व्यक्ति, अकिंचन, जिसका और कोई है ही नहीं, ऐसा व्यक्ति मेरे ऐश्वर्य से केवल एक गाय के कारण ज्यादा कैसे हो सकता है, ठीक है कि नहीं। और हो सकता है अगर वो गाय नहीं होती, और हो सकता है ब्राह्मण अगर सम्मान नहीं कर पाते, हो सकता है दंड भी दे देता है, क्योंकि इतना ज्यादा गर्वित हो चुका था, भूल गया था कौन ब्राह्मण है, मेरे से वरिष्ठ कौन है, मतलब वरिष्ठ मतलब उनसे उम्र में ज्यादा के भी थे जमदग्नि जी। तो भूल जाता है व्यक्ति अपने पद के गर्भ में। तो क्या किया इनने, इनने जो है कामधेनु गाय को ही अपने सैनिकों को लगा करके उसको उठवा लिया। तो जब पता चला पुत्र परशुराम जी को, तो उन्होंने क्या किया, वहां जाकर के कार्तवीर्य अर्जुन के पूरा, इसके पीछे वही सुना होगा आपने, कैसे कैसे लड़ाई करी उनने, कितने अक्षोहिणी, यानी कि 17 अक्षोहिणी सेना। तो अक्षोहिणी सेना का वर्णन किया गया बड़ा सुंदर सुंदर, कि 17 अक्षोहिणी में कितने कितने लाखों लाखों पैदल सैनिक थे, कितने लाख घोड़े थे, और उसमें कितने कितने हजार रथ थे, समझ रहे नहीं, अतिरथी, महारथी, ये रथी, इतने सारे लड़ने में जिनके बाण अचूक होते थे, वो सब के सब परशुराम जी ने, परस का मतलब ही होता है फरसा, परशुम, ठीक है कि नहीं, फरसा परशुराम, जो अपना फरसा को उठा करके, उन्होंने केवल फरसे से भगवान से कौन लड़ सकता है, सब कुछ क्या कर दिया, विनष्ट कर दिया, और यहां तक कि कार्तवीर अर्जुन को भी क्या कर दिया, मार दिया। जब ऐसा किया तो इनके पुत्र लोग जो हैं वहां से जान बचा करके भागे, और भाग गए, लेकिन मनी मन में क्या कर रहे थे, ईर्ष्या कर रहे थे। ये जो लड़ाई झगड़े हैं ना, ये तो फिर पुत्र तक कहां कहां तक जाते हैं, यहां पर सिखा रहे हैं ना, क्षत्रिय को लड़ाई करनी चाहिए धर्म की संस्थापना के लिए, लेकिन अगर बात बात में कोई लड़ाई करे, जैसे आजकल गाड़ी से गाड़ी टकरा जाए तो सांड की तरह बाहर निकलते हैं, ठीक है कि नहीं, और पूरा का पूरा जो है वो कोर्ट केस होता है, वो वहीं पर क्षमा मांग नहीं सकते हैं, क्योंकि इतनी अकड़ है, इतनी अकड़ है, कुछ भी नहीं। कार्तवीर अर्जुन अगर अकड़ रहे तो उनके पास देखा जाए तो बहुत कुछ था, चलो उतना था तब अकड़े थे वो, और उनका वध करने के लिए भगवान स्वयं अवतरित हुए, परशुराम जी उनका वध कर रहे हैं। यहां तो हमारा धन ही हमारा वध कर देता है, आपको पता है जितने की गाड़ी नहीं होती है उससे ज्यादा कोर्ट केस में उससे ट्रिपल खर्चा हो जाता है, 4 गाड़ियां और ले लेता वो। तो लास्ट में फिर जब जज और वकील जब देखते हैं कि दोनों चूस लिए गए हैं आम की तरह, चौसा आम को चूस लिया जैसे किसने, पैसे वैसे नहीं है, तो फिर क्या करते हैं, आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर लो,
तब इनका माथा ठनकता है, पहले बोलने में मर गए थे, सारा चूस लिया और अब बोल रहे हो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर लो। तब इनको बिल्कुल, जब सब कुछ हरण हुआ तब जाके विनम्रता थोड़ा बहुत आती है, फिर से जब रोडपति बनते हैं, रोड में आ जाते हैं। तो इसीलिए भगवान हम सबका भी अहंकार बीच बीच में तोड़ते रहते हैं अलग अलग। कभी कोई किसी से क्या गलती हो जाती है, कोई लड़ पड़ता है, कोई किसी को अपशब्द कह देता है। आपको पता है कुंती महारानी जी ये कहती हैं क्या, श्रीमद् भागवत में पहले स्कंद के 8वें अध्याय के 2 यानी कि 26वें श्लोक में, जन्म ऐश्वर्य श्रुतः श्री विरेद मान मद पुमान नेवार हत्यम भिदान्तु वे त्वाम किंचन गोचरम। हे कृष्ण, सत्कुल उच्च कुल में जन्म लेने में भी हमें अहंकार रहता है, हमारा ही वेदों में अधिकार है, हम गलत शिक्षा पढ़ते हैं, फिर दूसरे को कुछ नहीं समझते, निम्न कुल का है, ये है वह है सब। और ऐश्वर्य, जब हमारे हम धनी कुल में जन्म लेते हैं किसी धनवान व्यक्ति के यहाँ, तो धनवान व्यक्ति के बच्चे भी कथा सुनने, कितने पंजाबी बाग के कोठियों में रहने वाले इस सेठ लोगों के पुत्र यहाँ पर कथा सुनने आ रहे हैं, पहले बता दीजिए, एक भी है? बड़ा मुश्किल। यहाँ पर बैठ के कथा सुनना उनके अहंकार को ठेस पहुँचा सकता है, या दूसरे शब्दों में नींद को ठेस पहुँचाएगा, कैसे उठ सकते हैं, ये सब तो पागल हो गए हैं। अब पागल कौन है तो सब जानते ही हैं, पागल कौन है बताओ, आप सबके लिए पागल कौन है जो हरि कथा में, वही है माया का पागल। तो हम लोग सही में पागल हैं, ठीक कह रहा है वो व्यक्ति। तो इस प्रकार से एक भी व्यक्ति, देखिए धनी व्यक्ति, बता रखा है बाइबल में कि आप सुई की छेद में से ऊंट निकाल सकते हैं, वैसे निकलेगा नहीं, हो सकता है प्रकृति का नियम बदल जाए, निकल जाए कहीं से, लेकिन किसी अमीर व्यक्ति को भक्त बन जाए, वो साधु बन जाए, वेरी डिफिकल्ट। और साधु बन भी मान लिया कर्मों के कारण, अगर वो व्यक्ति, कभी कभी भक्त लोग बन भी जाते हैं, लेकिन वो गाड़ी का, वो घर का, वो पद का अहंकार जाता नहीं है। मैंने देखा है लोग, ए तू कहाँ जा रहा है, वो भक्तों से ऐसे तू तड़ाक करके बात करते हैं, आ भी जाए तो, अगर वो ये भूल जाते हैं, ये तुमसे सेठ बैठे हुए यहाँ पर, तुम ये भूल जाओ कि तुम 20 मंदिरों में कहीं पर, हो सकता है तुम 20 मंदिर में हो, कहीं अब अनेक जगह तुम राजा हो, इतनी इतनी जगह तुम, हो सकता है पदों में आसीन हो, अलग 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 स्टेयरिंग कमेटी के चेयरमैन हो सकते हैं, लेकिन अगर एक नए भक्त से बात करने का अगर ढंग पता नहीं है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अभिमान अभी भी, उस ऐश्वर्य उस धन का अभिमान है, उस पद का अभिमान है। और याद रखना, हमारे पर जितनी भी विपत्ति और कष्ट आते हैं उसका कारण ही है क्या, ये निंदा करना। तो फिर से, ये भले ही आपने सुना है लेकिन सुनिए, ये मैं बीच बीच में सिद्धांत भी बता रहा हूँ, ये श्लोकों को हम अपने ऊपर कैसे जीवन में लागू करें। यहाँ तो कथा सुन करके चले जाएंगे, जमदग्नि जी को ऐसा हुआ और कार्तवीर अर्जुन ऐसे मर गया, 21 दफे ये किया, लेकिन हमने क्या सीखा उससे। तो बताया गया है पतन के 6 कारण स्कंद पुराण में, निंदा कुर्वन्ति ये मूढ़ा वैष्णवानां महात्मनां पतन्ति पितृभिः सार्धं महारौररं संगीते। बता रखा है जो मूर्ख व्यक्ति महात्माओं की निंदा करते रहते हैं, करते रहते हैं, एकाध दफे कर दिया फिर छोड़ दिया तो अलग बात है, करते रहते हैं, जिन्हें ठेका ले रखा है, वे अपने पितृवर्ग सहित यानी कि कुल सहित महा रौरव नरक में बहुत ही आसानी से धकेल दिए जाते हैं, उनको डाला जाता है स्पेशल, इस संसार में भी उनके लिए स्थिति रौरव नरक जैसी बन जाती है। और वो बोलते हैं फिर, हम तो माला भी कर रहे हैं, हम तो मंदिर भी आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि आप भक्तों को 3 कौड़ी का भी नहीं समझते हैं, सुनने में बड़ा कठोर लगेगा,
अरे भाई जब आदमी अपराध कर सकता है तो उसको बताया नहीं जा सकता है। जब तक हम भक्त महिमा हरिनाम महिमा भक्त तत्व वैष्णव तत्व नहीं सुनेंगे आदमी को समझता ही नहीं अपने आगे ठीक है बाल निकाल निकल के बैठे हुए ठीक है कि नहीं। और ऐसे बिल्कुल हेय दृष्टि से देखते हैं जैसे कि सबसे बुरा काम इन्होंने ही किया हो साधु बन करके। ये आजकल की दृष्टि बता रहा हूं जो सुनते नहीं है। और वो फनफनाए नाग की तरह, नाग जानते हो काला सर्प, उसके फनफनाए रहते हैं। कोई उनको बोले किताब क्या है, दिमाग खराब हो गया क्या, किताबें बेचते रहते, टीवी में क्या क्या आते रहता है तुम लोगों के बारे में, क्लियर कर दें आपको। ये जो टीवी में जो आता है वो बाबा थे ही नहीं। किस व्यक्ति ने तुमको लाइसेंस दिया कि उस व्यक्ति को तुम बाबा शब्द बोल रहे हो? बाबा शब्द का महत्व तो पता है तुम्हें, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। और तुम घटिया किस्म की तुम्हारी सोच, मीडिया पर किसी का अंकुश ही नहीं है। हाउ डेयर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने 5 करोड़ लेकर के तुमने एक व्यक्ति को जबरदस्ती बाबा बना दिया? वो बाबा है? बाबा किसको कहते हैं तुमको पता है? तुमने रिसर्च किया पहले? गूगल से ही रिसर्च कर लो बाबा मीन्स क्या होता है। किसकी परमिशन से तुमने उस व्यक्ति को रख दिया? बोला समोसा खाते हो? बोले हाँ खाते हैं। बोले कौन सी चटनी खाते हो, मीठी या हरी वाली? बोले हरी वाली। बोले कभी कभी मीठी भी खा लिया करो, कृपा आना शुरू हो जाएगी। अब इतने जन्मों से मीठी चटनी खा रहे हैं लोग, कृपा आई या गला खराब हुआ? क्या कोई सिद्धांत ही नहीं, कुछ भी। ऐसे व्यक्ति को खुद चमकाया अपने टीआरपी की वजह से, पैसों की वजह से चमकाया पहले और चमका दिया। और उसके बाद में फिर वो, क्योंकि गलत तो करेंगे ही करेंगे, सारे ऐशो आराम सुख सुविधा, ये वही लोग हैं जो भागवत सप्ताह भी करते हैं, उपदेश देंगे बिल्कुल विरक्ति का, ऐसा विरक्ति का, जो विरक्ति का उपदेश दे रहे हैं वो कथा कहने का 15 लाख ले रहे हैं। वाह कितनी बढ़िया बात है। तो किसी को विरक्ति आएगी? एक व्यक्ति भी माला नहीं पकड़ता है हाथ में, किसी को भी उसमें चमकाएंगे और बाद में फिर उनको उतारेंगे। तो उनको ऐसे बाबा शब्द कहलाया कैसे? तो वो गलत लोगों को, 4 लोगों को बुला करके उनका ध्येय, हम लोगों को भी कितने देर में बुलाते हैं। हमने कहा भाई इधर सुनोगे? बोले स्वामी जी इस प्रकार की डिबेट नहीं होती मेरे में। हमने कहा टाइम ही नहीं हमारे पास में, आने का टाइम नहीं, वहां पर बेइज्जती करने के लिए नहीं आना साधुओं की। वो 4 लोगों को खुद ही लड़ा देते हैं, वो अलग अलग टाइप के लोगों को बुलाए रखते हैं। आप क्या कहते? बोले हाँ ये तो ऐसा कह रहे, वो फिर वो उसको काटने लगेगा, वो उसको काटने लगेगा, सब काटते रहते हैं। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कुछ भी परोस दोगे तुम? किस वक्त क्या चीज परोसते हो? सुहागरात का सीन परोस रहे हैं। कोई भी सही व्यक्ति सुहागरात को सारी पब्लिक को दिखाना चाहेगा? पहले बताइए आप। तुम दिखा सकते हो कुछ पैसे लेकर के और हम तुम्हारी निंदा नहीं कर सकते हैं? बोलिए तुम कुछ भी परोस सकते हो तो बोलने का दम ही नहीं। उनको बोल दो कि इस प्रकार की सारी गंदगी दिखाते हो तो जैसा जैसा देखता है व्यक्ति उसी प्रकार के आजकल के नवयुवक के सब चीज वही सब उनके माइंडों में जाता है। तो इसीलिए सब नाना प्रकार के कुकर्म होते हैं। तो जितना भी ये धन से ऐश्वर्य से व्यक्ति जो है क्या हो जाता है, वो खत्म हो जाता है ऐश्वर्य के कारण भी वो। और आगे विद्या, ज्यादा पढ़ा लिखा होना, ठीक है कि नहीं? इतना पढ़ लिया कि एमकॉम एमटेक के बाद फिर 3-3 दफे इसकी पीएचडी, उसकी पीएचडी, उसकी पीएचडी, साइंटिस्ट बन गए। हमको इससे प्रॉब्लम नहीं कोई साइंटिस्ट बने, लेकिन भगवान के विज्ञान के बारे में जाने तो बहुत अच्छी बात है उस नॉलेज से। लेकिन उससे अगर भक्त साधुओं का अपराध करने लग जाएं उस विद्या से कि ज्यादा हमें सब कुछ पता है और रिसर्च में क्या बोला जा रहा है ये सब कुछ है ही नहीं, सब जीरो से उत्पत्ति हुई थी। तो ऐसे लोग क्या है बताते हैं, देखिए जो पहला है हंती निंदती वे द्वेष्टि। किस कारण से सतकुल
ऐश्वर्य विद्या और सौंदर्य, कोई सुंदर है उस सुंदरता का भी क्या हो जाता है, अहंकार हो जाता है, वो दूसरे को कुछ समझता ही नहीं है और लोगों पर टीका टिप्पणी करने लगते हैं, हिंट मारते हैं, समझ रहे अपनी सुंदरता पर। तो ऐसे ही लोग वो क्या करते हैं, पहला भक्तों को जो वैष्णवों की हिंसा करते हैं उनके ऊपर हिंसा कर देते हैं, आक्रमण कर देते हैं। दूसरा निंदति, जो उनकी निंदा करते हैं, आए दिन भक्तों की निंदा कर रहे हैं, जो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं उनकी निंदा कर रहे हैं। तीसरा द्वेष्यति, जो क्या करते हैं, द्वेष्टि यानी कि द्वेष करते हैं भक्तों से, जैसे कि सारा कुछ लूट लिया हो उनका, उनका सारा बैंक खाली कर दिया हो, ऐसे ऐसे देखेंगे बिल्कुल आंख का झाड़ बिल्कुल। समझ रहे हैं? तो वैष्णव से द्वेष करते हैं ऐसे लोग। और चौथा, जो वैष्णव के दर्शन कर प्रणाम नहीं करते, वैष्णवा ना अभिनंदती, उनको अभिनंदती जब उनको देख करके उनको प्रणाम नहीं करते हैं, ये है चौथा, पांचवा। और छठा है वैष्णव के प्रति क्रोध प्रकाश करना, पांचवा, और ऐसे वैष्णव के प्रति क्रोध करना। और छठवां है वैष्णव के दर्शन कर क्या, आनंदित नहीं होना, उनको देख के चेहरे में प्रसन्नता ही नहीं आ रही है। आधे से ज्यादा लोग तो वो जो हैं, आधा घंटा तो उनको देख करके पहले वो देखते हैं, उसके बाद कहीं कथा फिर थोड़ा सा सही लगा तो उसके बाद धीरे धीरे नॉर्मल होते हैं, अहंकार खत्म होने लगता है, नहीं तो ऐसे ही देखते रहते हैं। क्या भक्ति आएगी पहले बताइए, समझ रहे हैं? कितना सुंदर, देखिए जो वैष्णव की हिंसा करते हैं, जो निंदा करते हैं, जो द्वेष करते हैं, जो वैष्णव को दर्शन कर प्रणाम नहीं करते, वैष्णव के प्रति क्रोध प्रकाश करते हैं तथा वैष्णव के दर्शन कर आनंदित नहीं होते हैं, ऐसे बता रखा है ये छह प्रकार के लोग अधपतित हो जाते हैं, वो अपनी स्थिति से क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो इसीलिए बता रखा है ये जो उच्च कुल में जन्म लेना और ज्यादा धनी होना, ज्यादा पढ़ा लिखा होना और ज्यादा सुंदर होना, वैसे तो खैर भक्त बनते नहीं हैं ये, सुंदर लोग फिल्म इंडस्ट्री की ओर जाते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे लोग साइंटिस्ट बनने लग जाते हैं, और जिनकी ज्यादा विद्या होती है, जो धनी होते हैं वो अपना बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और पता नहीं क्या क्या सब चलते रहता है, और उच्च कुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति वो वैसे ही अपना कोई ज्योतिषाचार्य, कोई ये आचार्य, कोई कुछ, कोई कुछ, सब अपना ये सब खोल लेते हैं। तो लेकिन अहंकार जो है उनका भरे रहता है, वो निरंतर अपराध करते हैं। बता रखा है जिनका अहंकार अत्यंत बढ़ गया है वे व्यक्ति निर अभिमान और निष्काम भक्तों के ग्रहण योग्य, आपके श्री कृष्ण गोविंद शुद्ध नामों का कीर्तन करने में असमर्थ है। वही व्यक्ति भगवान के नाम का कीर्तन नहीं कर पाता है जिसके अंदर क्या हो, हरि बोल, जिसके अंदर क्या हो, इस टाइप का अहंकार हो, उच्च कुल में जन्म लेने का, ज्यादा पढ़ा लिखा होने का, ज्यादा सुंदर होने का, ज्यादा धनी होने का, और वही फिर इस टाइप के अपराध करता है। और यही चीज, ये मत सोचें कि हमने दीक्षा ले ली और दीक्षा लेने के बाद हम कथा नहीं सुनेंगे, माला नहीं करेंगे, सवेरे समय पर नहीं उठेंगे, फिर ब्राह्मण दीक्षा भी ले लें। आजकल तो खैर नहीं मिलेगी खैर ब्राह्मण दीक्षा, अभी खूब अच्छे से उसमें पहले IDC कोर्स करना है, ISKCON डिसाइपल कोर्स, फिर भक्ति शास्त्री कोर्स, उसको पूरा चेकिंग किया जाता है, वो कितना मंदिर आ रहा है, क्या सेवा कर रहा है कि नहीं, सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा है, खाली बोलना चाहता है, तब ब्राह्मण दीक्षा मिलती है, ठीक है कि नहीं। तो अब दीक्षा मिल गई वो सोचता है मैं बस ब्राह्मण बन गया, ऐसे ब्राह्मण नहीं बनता है। ब्राह्मण तो तब बनता है जब वो गुरु के बताए हुए निर्देशों को फिर वो एकदम यथावत करता है। तो निर्देश क्या है, गुरु के द्वारा बताए हुए नियम, सवेरे 4 बजे उठना, जो 4 बजे नहीं उठ पाए वो ब्राह्मण कहाँ है, वो तो रजोगुणी व्यक्ति है, वो तो तमोगुणी व्यक्ति है, वो तो शूद्र है। फिर तो वहां दीक्षा काम नहीं करती है, फिर दीक्षा काम तब करेगी जब हम गायत्री मंत्र 3 दफे जपेंगे, जब हम 2 दफे स्नान करेंगे, जब हम 4 बजे उठेंगे और जब हम सुबह ही माला कंप्लीट करेंगे,
भागवत सुनने के प्रति रुचि होगी, भक्तों से प्रेम होगा, ठीक है कि नहीं, तब ब्राह्मण गुण हमारे डेवलप होंगे। और जब वो ब्राह्मण गुण आएंगे तब हम वैष्णव कहलाएंगे। खाली धोती कुर्ता पहनने देने से, और पता चला बिल्कुल ऐसा गुस्सा भरा हुआ है, पूछो मत, किसी बात का ठीक ढंग से उत्तर ही नहीं दे रहे, किसी को हरे कृष्णा कोई वही नहीं। तो कभी भी भक्तों को भी, जो भी नया भक्त आ रहा है, चार नियमों को तोड़ रहा है, पहली दफे मंदिर में आया, गंदा मैला कुचैला, भक्तों को भी, उसको भी बड़े प्रेम से मिलते हुए उसको भी बोलना चाहिए, आपकी मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, आप पहली दफे आ गए, आप किसी भक्त से जुड़े हैं, बोले नहीं ना, तो उसको पर्चा दे मंदिर का, प्रोग्राम के बारे में बताएं, कहाँ रहता है, वहाँ भी प्रोग्राम होता है, ये है प्रचार। ऐसा नहीं कि देख रहे हैं आ रहे होंगे, हम गृहस्थ से नहीं मिलेंगे, हम इससे नहीं मिलेंगे, वो सब कुछ नहीं, वो सब बातें नहीं। जो भी सामने पड़े, जारे देखो तारे कहो कृष्णा, तो जो इस भावना से प्रचार करता है और सभी को प्रभु का अंश समझता है, यो मां पश्यति सर्वत्र सच मई पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामी सच मे न प्रणश्यति, जो सब में मुझको देखता है, जो ये नहीं देखता है कि ये धोती कुर्ता वाला है या पैंट शर्ट वाला है, बाल वाला है कि बिना बाल वाला है, तो वहां वो आत्मा का दर्शन करता है। और ये आत्मा किसका अंश है बोलो? परमात्मा का अंश है। यहां तक कि वो ये भी दर्शन नहीं करता है कि मुसलमान है सिख है। तो जब हम आत्मा को दर्शन करने लग जाएंगे तब समझना आप ब्राह्मण बने हो, क्योंकि विद्या विनय संपन्न, ऐसा विद्या जो ये विद्या सीखी उसने क्या, और विनम्रता से संपन्न है वो, लैस एकदम भरा हुआ ब्राह्मण में, गाय में, ब्राह्मणे गवि हस्तिनी हाथी में, सुनी चैव स्वपाके च कुत्ते में, सभी प्राणियों, मतलब जो प्रभु को देख रहा है, सभी प्राणियों को उनका देख रहा है, वही वास्तव में देख रहा है। जो ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भी देख रहा है, वो अभी ब्राह्मण नहीं बन पाया, वो भी भक्त नहीं बन पाया, वो भी नौसखिया व्यक्ति है। अगर माइंड में यही है मारो, कभी बोलते ना मारो, ये भी मूर्खता है। अभी तक जैसे गाय कट रही थी, कोई भी नियम लागू करना है, अगर देखिए उस नियम को लागू कैसे किया जाता है कि 6 महीने बाद नियम लागू होगा, क्योंकि अभी तक तो कटी रहे, उससे पहले लोगों को ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि मांस नहीं खाना है। कैसे मांस हमारा जो जठरानंद नहीं पचा पाता है, एक चींटी तक को भी नहीं मारा जाना चाहिए, ठीक है कि नहीं, उसमें डिबेट होनी चाहिए अलग अलग चैनल में, लोगों को ज्ञान आए। जब ज्ञान आ जाए उसके बाद जब ये भी माइंड पता चल जाए कि चींटी तक को भी, जब किसी को जीवन नहीं दे सकते हो तो जीवन कैसे ले सकते हो, तो ये ज्ञान आ जाए फिर उसके बाद आप बोलोगे कि हम, गाय तो माता है जो हमें दूध देती है, हमें हस्त पुष्ट करती है, ठीक है कि, फिर वो नहीं मारेगा, कोई भी नहीं मारेगा उसको, फिर ज्ञान दिया नहीं, बोले आक्रमण, बस हो गया, उनको जेल डालो। सबसे ज्यादा कसाई घर हिंदुओं के हैं, जो सो कॉल्ड हिंदू कहते हैं अपने आप को। और भारत आपको पता है ये चमड़े के व्यापार में नंबर वन है, तो हम ही गाय को देते हैं, किसको, हम ही देते हैं मुसलमान भाइयों को, बूढ़ा होकर के हम सेवा क्यों नहीं करते हैं? तो पहले अपना सुधरना होगा, अपना सुधार तब जगत का सुधार। हम यहां माला कर रहे हैं और गाय रोड पे घूम रही है, जिस जगह गाय का सम्मान नहीं है, गाय को रोड में नहीं गौशाला में होना चाहिए, सरकार का पहला कर्तव्य। और नहीं तो फिर मंदिरों में भी बीड़ा उठाना चाहिए, सारी गायों को जहां भी इधर उधर जो जिसकी पालतू भी नहीं है उसको उठा करके, गाय तो छोड़ो, एक व्यक्ति भी भीख मांगने वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भीख मांग रहे हैं उनको बोलो 50,000 रुपये सैलरी मिलेगी और गाय की सेवा करो, चलो गौशाला में, ये करने में क्या हर्ज है? तो करेगा कौन? आर्डर दे दिया शराब बंद हो जाए, अब शराब बंद हो जाए और जिनकी आदतें लगी हुई हैं वो तो सब धरने पर आ जाएंगे, क्योंकि 60% मांस खाते हैं भारत में लोग, 60% आकलन में, शराब और नशा गुटखा ये सब खाने वाले 75-80% कोई वोट ही नहीं देने वाला उनको फिर जो बंद करेगा। तो एक साल तक अवेयरनेस लाओ सबसे पहले, और एक साल के बाद बोलना है
और जिनका जो लोग शराब की दुकानें खोले हैं उनको आपको क्या देना पड़ेगा, रोजगार भी देना पड़ेगा कि तुमको कहीं अच्छी जगह पर इस जगह काम दिया जाएगा, तुम्हारा वही आमदनी होगी, तब छोड़ेंगे ना, नहीं तो सीधे बस एक मिनट बंद करो हो गया, बस उन्होंने धरना दिया। 60% लोग रोड में उतर आए, धरना दे दिया, हम मर जाएंगे। तो कोई भी चीज के लिए पहले अवेयरनेस लाई जाती है ना, कि एक मिनट में बंद कर दो बस। आदत पड़ी जैसे तांगा, बड़ी तेजी से तांगा क्या करता है, दौड़ रहा है, और आपने क्या किया, एक मिनट में लगाम खींच दी उसकी, क्या हो गया, तांगा कहीं जाएगा, आप कहीं जाओगे, घोड़ा कहीं जाएगा। आप उसको क्या करते, बोले थोड़ा 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 करके एक समय जब देखते हो पूरा रुक जाएगा, पूरी लगाम लगा दे। तो यहां पर पहले कार्तिकवीर अर्जुन का उन्होंने वध किया, क्योंकि वो जो हैं क्या हो गए थे, ब्राह्मणों का अपमान किया उन्होंने, जमदग्नि जो है ब्राह्मण हैं, और भगवान को पता है परशुराम जी को कि कौन किस प्रकार से अहंकार में आ गया है। और एक तो कामधेनु को राजा का कर्तव्य है ब्राह्मणों को गाय दान में देना, और उन्हीं की गाय चोरी करके लेके गया, और साथ में फिर लड़ाई कर रहा है इतना इतने लोगों को लड़ाई में, तो भगवान ने वहां पर गर्वित व्यक्ति को दिखाना होता है, सब कुछ नष्ट कर दिया उनका, उनके पुत्र लोग भाग के चले गए। और यहां पर यही बता रखा है फिर पुत्र लोगों ने क्या देखा, वो मनी मन में बदला सोच रहे थे, ठीक है कि नहीं। तो एक दफे क्या हुआ, इन्होंने जो है जब ये पुत्र लोग और परशुराम जी कहीं बाहर थे, तो इन्होंने वहां पर जाकर के जब वो ध्यान मग्न थे, जमदग्नि जी उनको जो है उनकी गर्दन काट दिया, मार दिया उनको। अब तो और ज्यादा अपराध हो गया, देखो जैसा पिता वैसा पुत्र। जब मार दिया गया तब, जबकि ब्राह्मणी ने राजा के पास बता रखा है, राजा के पुत्र हो राजा हो, अगर कोई शरणागत हो जाता है, जैसे परीक्षित महाराज कलियुग को माफ कर दिए थे ना, तो अगर कोई शरणागत हो जाता है तो राजा उसको शरण भी देता है, ऐसा नहीं कि वध कर देता है। तो जब देखा कि ये भी दुष्ट हो गए हैं, तो वापस आकर के फिर उन सब को भी उन्होंने रक्त की बता रखा है 9 झीलें बना दी, रक्त की नदियां बहने लग गई। लेकिन इससे पहले उनके पिताजी ने जब देखा कि ये कार्तिकवीर अर्जुन का वध करके आए हैं, तो पिता ने मना किया, पिता शिक्षा दे रहे जमदग्नि जी कि देखो सम्राट का राजा का वध नहीं किया जाना चाहिए, राजा का वध कर दोगे तो चोर उस श्रृंखल घुसाएंगे, कोई भी क्या नहीं रहेगा, देखने वाला नहीं रहेगा, राज्य उनमें उत्पात हो जाएंगे, चोरों को क्या मिल जाएगा, मौका मिल जाएगा। अगर मंदिर में बड़े लोग ना हों, गुरु ना हों, शिक्षा गुरु ना हों, तो अध्यक्ष ना हों, तो क्या होता है, सब लोग फिर आराम हो जाते हैं, ठीक है कि नहीं। तो पता चला मंगल आरती 4:45 बजे हो रही है, 5:30 हो, कभी लेट उठे थे। तो इसलिए भाई बिन प्रीत ना होए, भाई रहना चाहिए। उनने बोला जाओ तुम तीर्थों में स्नान करके आओ, इतने तुमने मारे, जबकि भगवान थे वो, तो ये तीर्थों में स्नान करने गए, वहां से कुरुक्षेत्र भी गए वो, उसमें भी स्नान किया इनने। लेकिन उसके बाद तो जब ये 1 साल बाद वापस आए तो ये घटना घटी, इनके पिता को मार दिया गया। फिर तो इन्होंने और भी जो इनके वंशज थे सारे, ये तो क्षत्रियों का राजा था कार्तिकवीर अर्जुन, और उनके पुत्रों समेत और भी क्षत्रिय जो भी ब्राह्मणों को बिल्कुल कुछ नहीं मान रहे थे, उनके आज्ञा अनुसार धर्म के अनुसार नहीं चल रहे थे, सबका जो है किस दफे क्या किया, क्षत्रियों का संहार कर दिया। तो इसी प्रकार से भगवान भी जो व्यक्ति, चाहे वो भक्त हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी वर्ग में हो, चाहे मंदिर में रहता हो, चाहे बाहर रहता हो, जो भी व्यक्ति अपने गुणों के अनुसार सेवा नहीं करेगा, अहंकार में आएगा, उसको भगवान क्या करते हैं, उसका अहंकार ही, क्या बोलते हैं उसको, अहंकार से सर्वेशाम पाप बीजम अमंगलम, उसका अहंकार ही उसको खा जाता है और वही उसको डुबा देता है फिर से पूरा पूरा। याद रखना, भगवान कभी दंड नहीं देते हैं, हमारे अपने कर्म ही हमारे पास पहुंच करके हमें दंड देते हैं सीधा सीधा, ये तो प्रकृति का नियम है, बड़ा सुंदर। तो यहां पर यही बता रहे हैं कि हमें किस प्रकार से कोई भी किसी भी वैष्णव का, यहां तक कि एक साधारण जीव का भी अपमान नहीं करना चाहिए, उन्हें भी सम्मान देते हुए हम क्या करें, प्रभु के अंश हैं, तब देखिएगा आप सबको गले लगाने का मन करेगा, तब सवेरे
ये जो माला है ना 32 माला ऐसा लगेगा मक्खन की तरह खसक रही है। बोले आज कैसे ये हो गया, आज ये कैसे बदलाव आ गया, इतनी अच्छी माला हो रही मेरी। उसका कारण है निर अपराध होकर के। तोते की तरह 10 नाम अपराध हम रटन लगाते रहे डेली, लेकिन अपराध क्या करें, ये तो ऐसे ऐसे हैं, वो तो ऐसा ऐसा है, ये ऐसे ऐसे हैं कह देने मात्र से आपके भजन में विघ्न हो जाएगा। आपको किसी से प्रॉब्लम है, अगर आप सच्चे इंसान हो तो उसके पास जाओ, प्रभु जी मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है, कृपया मुझे संशय से निवारण कीजिए। उनको भी खुशी होगी मेरे पास ही आया, क्योंकि एक कहावत है ना, गलती जिसकी है वही बोलते हैं भैया सुधरना मुझे है, वो 10 लोगों को क्यों बोल रहे हो, उनके कान को क्यों भर रहे हो और वो उन लोगों को अपराध का भागी बना रहे हो। बोले जिसने सुधरना है उसी को कहो ना, 10 के कान और भरने की क्या जरूरत है। किसी को शंका भी आ गई किसी के प्रति भी, ठीक है कि यहां तो बता रखा है कलो दोष निधे राजन, कलयुग में तो आंख बंद करके भी दोषी दोष नजर आएंगे, तो लेकिन हमें उन्हीं भक्तों के पास जाकर के क्लियर कर लेना चाहिए। तो जो मेरी समझ में आया जितना इस श्लोक के भावार्थ में, तो मैं उतना इस पर प्रकाश किया। तो कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा मेरे शब्दों में। आप में से किसी का कोई प्रश्न है या कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। एनी क्वेश्चन कमेंट्स? जी बोलिए प्रभु जी। जी निश्चित रूप से है, हाँ सुनना नहीं चाहिए। शास्त्र कहते हैं वैष्णव निंदा कहीं पर चल रही तो स्थान को छोड़ दो। अगर आप उत्तर नहीं दे सकते हैं, बड़े लोग कर रहे हैं, आप स्थान छोड़ दीजिए, ठीक है कि नहीं। और नहीं तो बता रखा है क्या करना चाहिए, या तो स्थान छोड़ दो या फिर उनको पराजित करो। पराजित करो मतलब उनको शास्त्रों से उत्तर बताओ। और वो भी नहीं कर सकते, दोनों नहीं कर सकते, तो फिर बता रखा है आत्महत्या कर लेना चाहिए, अपनी जिह्वा को काट लेना चाहिए, बता रखा है। तो अभी तीसरा तो नहीं करना है, ठीक है कि नहीं। इसलिए बेस्ट है स्थान छोड़ देना चाहिए कि भाई बड़ी मुश्किल से तो मंदिर आया हूँ, है नहीं, या आता हूँ, और उसमें भी जो है अगर यही सब चर्चा चलेंगी तो मैं कहाँ जाऊँगा भक्ति में फिर, ठीक है जी। हाँ अगर देखिए कई बार अगर ऐसा गाइड किया जाता है ना, तो गाइड यही करना चाहिए हमें कि हमें सबको सम्मान देना है, सकल सम्मान करिते सकति, उनके लिए मन में बिल्कुल भाव नहीं रखना है। हमने देखा है कभी कभी किसी के प्रति कुछ रूमर फैला दिया जाता है, ठीक है, और बाद में ढाक के 3 पात निकलते हैं, और उतनी देर वो उस वैष्णव से क्या करते हैं, नफरत करते हैं, कोई बात नहीं कर रहा है, कोई प्रणाम नहीं कर रहा है, कोई ये नहीं कर रहा है। तो आगे फिर क्लियर भी करना चाहिए उसको कि ऐसा कुछ था ही नहीं, ये तो इस प्रकार से कुछ द्वेषी लोग ऐसा कर रहे थे। होता क्या, वो क्लियर भी नहीं किया जाता है तो माइंड में वही बात रह जाती है, वही छवि बनी रह जाती है, जबकि वो था भी नहीं। क्लियर है तो क्लियर करना चाहिए, और अगर गलत थे तो गलत थे, लेकिन अब वो बिल्कुल एकदम सही। कौन गलत नहीं पहले बताइए, केवल भगवान ही ऐसे होंगे जिनने गलती नहीं की होगी, बाकी सब हम सभी गलत हैं कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में कितनी गलतियां करते हैं। हम बोलते ना उसकी वजह से मैं बहुत वो हो रहा हूं, तो तुम्हारे व्यवहार की वजह से भी कितने लोग परेशान हो रहे होंगे, ये भी सोच लिया करो कभी कभी। तुम्हारे भी तो कितने व्यवहार होंगे ऐसे जिससे दूसरे लोग परेशान होते हैं, ठीक है। और कोई? जी थोड़ा इसमें हरे कृष्णा बोली, धन्यवाद आपका बहुत अच्छे प्रवचन के लिए। और बोली प्रश्न ये है कि भगवान कहते हैं कि मनुष्य में राजा मैं हूँ, मनुष्य में राजा हूँ, तो लाइक एक राजा को मारना क्योंकि भगवान स्वयं अपने को, और दूसरा समाज में क्षत्रियों को खत्म करना, समाज में क्षत्रियों को खत्म करना, ये कितना उचित आपको?
भगवान हैं वहाँ पर वैसी स्थिति थी, क्षत्रिय क्या भगवान ने पूरे यादव वंश को आपस में लड़ा करके ख़त्म कर दिया था उस वक्त, क्योंकि जो ही मैं जाऊँगा ये सब बोलेंगे मैं तो भगवान का नाती था, मैं तो पोता था, मैं तो उनके बगल में खाता था, मैं तो कपड़ा पहनता था। उस अहंकार में कहीं वो गलत धर्म की स्थापना नहीं हो पाएगी, इसलिए जल्दी से उनको आपस में लड़ा करके वापस ले गए, ठीक है कि नहीं। ये सिचुएशन वहाँ पर ऐसी हो गई थी कि उशृंखल हो गए थे वो लोग। जब राजा ही उशृंखल हो गया, ब्राह्मण का वो राजा के गुणों से विहीन हो गया ना, एक तो गाय चोरी कर रहा है, दूसरा उनको दंड दे रहा है, ठीक है कि नहीं, तीसरा पुत्र भी वो हो रहे, तो यहाँ तो भगवान आए ही इसलिए थे फिर, ठीक है कि नहीं। ये मेन बात है, वहाँ पर वो स्थिति हो गई थी तो करना जरूरी है वहाँ पर। कभी कभी जैसे भैया कोई बोले अपने हाथ को काटना क्या उचित था, तो वो बोला जाता है कि भाई पूरे हाथ खराब हो जाएगा, हो सकता है शरीर ही खराब हो जाए, इसलिए इतना काट दो, तो काटना पड़ता है फिर, ठीक है जी। माता जी पीछे दे दीजिए माइक। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी मैं पूछना चाहती हूँ दान किस तरह देना चाहिए, दान किस तरह देना चाहिए, किसको देना चाहिए? जी हाँ, दान देना चाहिए। गृहस्थी हैं हम लोग, करते हैं तो ये नहीं पता होता कि सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। जी जी जी, आप दूसरे स्कंध के तीसरे अध्याय के 17वें श्लोक को पढ़ोगे ना, उसमें आयुर हरति वे पुंसाम, उसमें और भगवद गीता के जिसमें बता रखा है तीन प्रकार के दान देने चाहिए, भगवद गीता का जो श्लोक है श्रद्धा के विभाग 17वें अध्याय के, उसमें बता रखा है तीन प्रकार से, तीन प्रकार के यज्ञ होते हैं, तीन प्रकार के दान होते हैं, तो आप पढ़ लीजिएगा दान, ठीक है कि नहीं। सात्विक दान, राजसिक दान और तामसिक दान, जो सही समय पर सुपात्र को दिया जाता है भगवत कार्यों के लिए। जैसे मान लिया किसी व्यक्ति को विद्या की जरूरत है और वो भक्त नहीं है, लेकिन उसको विद्या देना है लेकिन साथ में भक्ति भी देनी है, उसको ये बताना है कि मैं तुमको विद्या पढ़ा रहा हूँ लेकिन इसका मतलब नहीं कि भक्ति तुम नहीं करोगे, समझ रहे हैं। विद्या पढ़ा दी और भक्ति नहीं सिखाई और बाद में उस विद्या से वो गलत वो करेगा तो फिर आपको भी दंड मिलता है। लेकिन बता रखा है सुपात्र को, जो वेद पारंगत है, जो भक्त है, साधु हैं, जो भगवत कार्यों में, प्रचार कार्यों में लगाते हैं, ऐसे सात्विक लोगों को दान देने से दान असंख्य गुना वापस आता है। और जो अब्राह्मण हैं, पूर्ण ब्राह्मण गुणों से, ब्राह्मण पूरे पूरे ब्राह्मण गुण नहीं है उसमें, उसको भी दान देने से अगले जीवन में सुनिश्चित बैंक गारंटी, जितना दिया उतना वापस में आएगा, ये भी बता रखा है। ये आप द्वितीय स्कंध के भागवतम के तीसरे अध्याय के 17वें श्लोक में देखना, उसके तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कोटेशन, तो वहाँ पर तो ये भी बता रखा है अगर जो जरूरतमंद है उसको दान देना चाहिए, और दे करके क्या करना चाहिए उसको, जैसे मान लो कोई बीमार पड़ा है, अब आप ऐसा नहीं कि उसको बचाओगे नहीं, उसको आप दान दे करके उसको उसका इलाज भी कराओगे साथ में हरिनाम भी दोगे उसको, ये दोनों करना चाहिए। जो भक्त नहीं है उसको भी दे सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट है सात्विक दान, जब हम वैष्णवों को देते हैं, ब्राह्मणों को देते हैं, जो भगवत कार्य में लगाते हैं, ठीक है कि नहीं। ये बात है, जैसे हमारे पास खूब धन है, अब पता चला किसी भक्त ने, वैसे तो हमें भगवान के श्रृंगार के लिए, भगवान की नित्य सेवा के लिए देना चाहिए, मंदिर में जो खर्चा होता है उसके लिए भी हम दे सकते हैं, लेकिन उसके अलावा भी, जैसे कितने वैष्णव हैं जो विवाह करते हैं, वो ब्राह्मण थे, ठीक है कि नहीं, अब पता चला उनके पास कोई घर नहीं है, मैंने देखा है इतने लोग हैं जो छोड़ जाते हैं अपने ऐसे पुत्रों के लिए जो बिल्कुल भक्त नहीं है, करोड़ों रुपये छोड़ जाते हैं, तो भाई ऐसे दो चार भक्तों के लिए भी छोटा छोटा ले लेना चाहिए, उनको दे के जाओ तो भगवान बड़े प्रसन्न होंगे। अगर किसी ब्राह्मण को रहने का ठिकाना अगर कोई देता है या उसके लिए कुछ पैसा जमा करके चले जाता है कि आप मंदिर से मत लेना बिल्कुल भी, वो मंदिर में पदाधिकारी को बताता भी, ये भी एक भावना है। तो दान जो है भगवत के प्रचार कार्य के लिए, भगवान की सेवा के लिए ये दिया जाता है, मुख्य दान है ये। उसके अलावा और भी जो है दान के बारे में भगवत गीता में बहुत अच्छे से बता रखा है, ठीक है। और जी
उनको दे दीजिए प्रभु जी, माइक दे दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे अभी आपने बताया था कि एक ब्राह्मणिकल क्वालिटी होती है कि हर किसी को जो भी जीव आत्मा है उसका आत्मा दर्शन करना है, उसको इक्वली ट्रीट करना है, लेकिन हमें ऐसा मतलब बताया जाता है कि हमारी भक्ति के अनुकूल रहता है कि हम नॉन डिवोटीज का कम मतलब ना के बराबर एसोसिएशन करें, भक्तों में भी हम डिस्क्रिमिनेट जज ना करके डिस्क्रिमिनेट करके उनका एसोसिएशन करें, तो ये दोनों चीज़ें थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी। आप कहाँ रहते हैं, बाहर कहाँ रहते हैं? पास में। पास में रहते हैं। सब्जी मंडी जाते हैं आप? जी। सब्जी खरीदने जाते हैं? जी। सारे शुद्ध भक्त हैं वो? संग करने के लिए जाते हो या वहाँ से केवल सब्जी लेने जाते हो? केवल सब्जी। तो उनको हरे कृष्णा भी बोल के आ जाया करो, ठीक है? समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? जब आप अपने भौतिक काम के लिए जो आप काम करने जा रहे हो ऐसे ऑफिस में, क्योंकि सभी भगवान के ही जीव हैं, ये भी तो देखना है नॉन डिवोटी। आप क्या थे पहले? हम सब भी तो नॉन डिवोटी ही थे, वो भी दिन याद रखना है। ऐसा नहीं कि दीक्षा के समय गरज गरज करके बिल्कुल ऐसा जैसे हथौड़े मार रहे हो। हमने शिक्षा देनी है लेकिन लोगों के लिए काम थोड़ा आसान भी बनाना है, ये भी बताना है कि मेरे अंदर भी पहले गलतियाँ थी, हम भी ऐसे थे, कोई बात नहीं आप भी ठीक होगे, ठीक है कि नहीं? तो ये दया का भाव भी अंदर रहना चाहिए उन सभी जीवों के प्रति। सब्जी लाने के लिए जाओगे सारे शुद्ध भक्त थोड़ी हैं, रोड में चलोगे सारे शुद्ध भक्त हैं क्या? तो फिर कौन सा नॉन डिवोटी? यहाँ तो दिन रात ही ऐसे लोगों के संग में आपको करना ही पड़ेगा। हम लोग हरिनाम निकालने के लिए जाते हैं, सारे के सारे सब नॉन डिवोटी हैं लगभग, तो लेकिन हम उसको नॉन डिवोटी ना मान करके हम उनको प्रभु का अंश अगर मानने लग जाएं, ठीक है कि नहीं? मैं भी यही था एक दिन, इनके ऊपर दया करी जाए, इनको हरे कृष्णा बुलवाया जाए, है तो ये कृपा हो जाएगी। भावना ये भी रहनी चाहिए ना, खाली नॉन डिवोटी नॉन डिवोटी नॉन डिवोटी बस हो गए। उनका संग करने नहीं जाना है, उनका संग देने जाना है उनको, ये बात है। जो डिवोटीज के अमंग हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि हमें किस मतलब अच्छे भक्तों का संग लेना है, उनका संग नहीं लेना, मतलब ये डिस्क्रिमिनेशन एक हमें सजेस्ट किया। स्वाभाविक बात है, जो भक्ति में आगे बढ़ रहा है, जो सही समय पर भगवान के पट खुलने से पहले मंगल आरती आ रहे हैं, कोई भी नया भक्त सुनाए पुराना भक्त बनाए सबकी क्लास में, क्योंकि सबकी क्लास नहीं हो भागवत की क्लास है, उसमें बैठते हैं ठीक से जप कर रहे हैं, है नहीं, गुरु गुरांग की सेवा कर रहे हैं नियम, तो वो निसंदेह वो भक्ति में एडवांस माने जाते हैं। तो ऐसे भक्तों का हम संग करते हैं, ऐसे प्रेमी भक्तों का जो ज़्यादा अच्छे से सीरियस होकर के सबको सम्मान देते हुए भक्ति करते हैं, लेकिन जो थोड़ा सा कमजोर भी है इसका मतलब उनको अनादर नहीं करते हैं, उनका हम सम्मान करते हैं, ठीक है कि नहीं? उनको प्रणाम भी करते हैं, और लेकिन हम सुनते किन से हैं? जो भक्ति में आगे बढ़े हुए हैं, ठीक है कि नहीं? ये है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम उनका असम्मान कर रहे हैं। स्वाभाविक है, अगर किसी को जैसे बोलते हैं ना मैथ नहीं आती है, तो हम जिसको आती है उससे सीखते हैं, इसका मतलब नहीं कि वो जो हिंदी वाला टीचर था उनका अपमान कर दिया हमने, ठीक है? ये चलेगा, ये चीज होगी जी। और धन्यवाद बहुत बहुत। ग्रंथराज श्री श्रीमद् भागवत महापुराण की, शील प्रभुपाद की, श्री श्री राधिका रमन, राधा राधिका रमन, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जीव, श्री श्री कृष्ण बलराम, शील प्रभुपाद तुलसी महारानी, समवेद वैष्णव भक्त वृंद की, पिताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा, आप सबका हार्दिक स्वागत है इस्कॉन पंजाबी बाग यूट्यूब चैनल पर। इस्कॉन पंजाबी बाग यूट्यूब चैनल का पर्पस है कि हम हर रोज आपके सामने ला सके भगवान के सुंदर दर्शन, सुंदर कीर्तन, कृष्ण कथा, भजन और आने वाले नए उत्सव। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।